अत्यंत खुशी है मुझे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अनुलक्षित मेरी पहली वर्चुअल नाट्य कथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। आभारी हूँ पीएससी चेंबर और अनुराधा जी का विशेष करके। यहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, मयूर पिच्छ पीताम्बर, तो उन्हीं की बात हम शुरू करते हैं। बिजली भेंट से खबर फैल गई पूरे ब्रज भूमि में, चलो चलो सब चलो, आपान वृद्ध स्त्री पुरुष सब श्रृंगार करके चल पड़े। कहां, अरे देखो रे, देखो रे भाई, देखो रे, देखो रे, आओ रे, आओ रे भाई, आज बीरज में जन्म बधाई का मेला। देखो रे, देखो रे भाई, आज बीरज में जन्म बधाई का मेला। गोकुल में जिस जन्म लिया है, गोकुल में जिस जन्म लिया है। हाँ, किसने जन्म लिया है, क्यों जाना गोकुल, पूछ रहे हैं लोग। गोकुल में जिसने जन्म लिया है वो है दुनिया का रखवाला, दुनिया का रखवाला, दुनिया का रखवाला। कैसे हो रहा उत्सव, भेरी तूरी और मृदंग बाजे, धड़गड़ा धड़गड़ा धड़ता धड़ता धड़ता, भेरी तूरी और मृदंग बाजे, शंख घंट कर ताल, शंख घंट कर ताल। जन जन में सब मंगल गाए, जन जन में सब मंगल गाए, जय हो जय हो जय हो। नंद के लाल, यशोदा के लाल, नंद गोपाल, ऐसी ऐसी विभूति का जन्म हुआ है युगों युगों से जिसका इंतजार था, प्रतीक्षा थी। उन्होंने ही कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदात्मानम् सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन आए हैं तो मनुष्य देह में, आए हैं तो देवकी की कोख से, और माता यशोदा जिन्होंने उनको पाला। देश से थकते नहीं है लोग, कैसी है आकृति, घनश्याम सुंदर, नीलोत पल ब्लू लोटस जैसे, और तारों जैसे टिमटिमाती आंखें, और वही तिरछी नजर, और लाल लाल होंठ, मोती जैसे छोटी छोटी दांत कभी कभी निकलते हैं, काले घुंघराले रेशमी बाल, और सबको ऐसे देखता है जैसे युगों युगों की जन्म जन्म की पहचान है। माता यशोदा गोप गोपी उसको देखते थकते नहीं है, और अब जो है कि उनके जो बाल सहज जो लटखट बना है वो बहुत अलग है क्या। तो घुटने पे भी जब जा रहे थे, फिर दीवार पकड़ के खड़े हो रहे थे, उस वक्त मावा मिश्री घर पे दे रही माँ मक्खन मिश्री, नवनीत मिश्री आ करके भागे, घुटनों के बीच से पैरों के बीच से निकल जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो गोपियां अगल बगल में रहती हैं, पानी लाने गई हैं, दरवाजा का कोई बंद करता नहीं था, आज की तरह डबल लॉक, ताले चाबी चेन कुछ नहीं होता था, तो वहां पे घुस जाना, और वहां पे मटकियां पड़ी है जमीन पे, अभी काम करके गई है, लुढ़काना, लुढ़का के बैठ के चपाटना, मक्खन खाना,
दूर दही की नदियां बहती। थोड़े बड़े हुए तो बंदरों को बुलाना, अपने साथियों को बुलाना, गोप सखा सारे बालक कंधों पे चढ़ के मटकियां उतारना, यहाँ छोटी छोटी गुलेल से निशाना साध के मारना। गोपियां फरियाद करती थकती नहीं है, यशोदा मैया कहती है ना ना ना, तुम सब मेरे कहना के पीछे क्यों पड़ी हो। जब तक एक दिन मैया यशोदा ने अपने ही घर में पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है, बैठा है दूध दही मट्टे की नदियां, बीच में मक्खन के टापू आइलैंड्स ऑफ बटर आ रहा है, सारा सना हुआ है। और जैसे मैया ने कान पकड़ा और हाथ उठाया, एक खींच के दूंगी आज तो छोड़ूंगी नहीं, तो गोल गोल आंखें, गोल गोल मुंह, गुंगराले गुंगराले बाल, और कहने लगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा तो ये सब क्या है? तो क्या कहते हैं कि सुबह से तो मुझे भेजती है मधुबन, शाम को थक के आता हूँ, गैया चराता हूँ, गैया को नहलाता हूँ, गैया के लिए पत्ते इकट्ठे करके खिलाता हूँ, थक जाता हूँ, मेरे पास ऐसा समय कहाँ। अच्छा और वो बड़ा चतुर बन रहा है। फिर कहते हैं देखो मैं तो इतना छोटा हूँ, तुमने जो मटकियां हैं ऐसी के ऊपर लटका रखी है, देखो मेरा हाथ ना पहुंचता है ना लो, लेकिन ये खिड़कियों से जो झांक रहे हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स ग्वाल बाल, वो मुझे पकड़ के बांध के मेरे मुंह पे मक्खन लपेटते हैं, जिसे तू मुझे पकड़े तू मुझे मारे ना। यशोदा मैया कहती है बड़ा चतुर बन रहा है, हाँ हाँ और बता और बता, आई एम नॉट कन्विंस, मार पड़ेगी आज। तो अब क्या कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, सबके कहे पति आयो, यू आर वेरी इनोसेंट माँ, लोग गॉसिप करते मेरे बारे में तो उसको सुन लेती है, जिया तेरे कछु भेद उपजो है, जानी परायो जायो, मुझे लगता है कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेदभाव आया है, जैसे कि मैं तेरा नहीं हूं, तू कहीं से मुझे खरीद के लाई है, पकड़ के लाई है। यशोदा के मुंह पे थोड़ा फर्क आया, क्या कह रहा है ये, और अब उन्होंने साधा कहा ये ले तेरी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, गाय चराने वाली जो लकड़ी लकुटी और ये कंबल होता है ये फेंका, छोटी लकड़ी छोटा कंबल फेंका, नहीं जाऊंगा चरा, अब कुछ नहीं करूंगा। सूरदास कहते हैं सूर श्याम सब बिहसी यशोदा, कौन सी माँ बच्चे की ऐसी बात सुन के प्यार नहीं करेगी, ले उरा कंठ लगाए, नहीं बेटा ऐसा ना हो, ना ना, तू मेरा ही है, मेरा अपना है, मेरे हृदय का टुकड़ा है तू। और जब कृष्ण ने देखा कि मैया पूरे पूरी मान गई है तो क्या कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो, और भाग गए। है तो यशोदा जी को, यशोदा के हाथ में जाया, जिनकी गोद में तो पल रहा है, जिनकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है, उनको ऋषि मुनि नहीं पहचान सके, तो हमारी क्या गति है। फिर कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश इंद्र जाहि निरंतर गावे, इनकी स्तुति करते सकते नहीं है सारे देवी देवता, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तौ पुनि पारन, नारद शुक वेद व्यास तपस्या कर करके थक गए लेकिन उनकी लीला नहीं समझ पाए पार न पाए, लेकिन ताही
अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ से नाचन चाहे। ये छाछ छाछ दे दूंगी, लो पियो ना, पहले नृत्य करो, नटवर हो, नाचो हमारे लिए। और छोटे से कृष्ण ठुमक 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 नाचते हैं, और तब ये गोपांगनाएं अहीर कन्याएं उनको छछिया भरी छाछ अपने हाथ से पिलाती। कहां से कहां जो ये एक दृश्य बनता है हमारी कल्पना में। हम तो क्षुद्र जीव हैं इस जगत के, हमें तो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी से फुर्सत कहां है। ये हुआ ये नहीं हुआ वो करना बाकी है, अरे 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 अरे, कहां फुर्सत है देखने की, अंदर की आंखें खोलने की, कि ये जो यात्रा है यहां से वहां तक, लौकिक से अलौकिक, यही तो है कृष्ण। ऐसे उनके उधम चल रहे हैं, दूसरी तरफ से मामा कंस के भेजे हुए असुर आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, अघासुर त्रुणासुर रुद्रासुर बकासुर पूतना मौसी आए आए शकटासुर, मारने के लिए आए और खुद मरे। लेकिन जो कृष्ण के हाथ से गया वो सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ। ये भी प्रभु की माया है, लीला है। अब है गोवर्धन, इंद्र को बड़ा रोष आया, मेरी पूजा करते थे और ये छोकरे से कहने से, ये गोवर्धन ये कि बाय छोटा सा इसकी पूजा कर रहे हैं, मेरा इतना अपमान, मैं देवों का अधिपति। एटीट्यूड देखिए, आज भी एटीट्यूड का बड़ा प्रॉब्लम है, जरा जरा में हम लोगों को चटक जाती है, इंसल्ट हो जाता है। अरे हमारे तो क्या, आज के छोटे बच्चे भी बड़ी एटीट्यूड रखते। यहाँ इंद्र की एटीट्यूड, और उसने 7 दिन 7 रात मूसलधार बारिश की, त्राही माम श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पे उठाया और सारे लोग सारे ब्रजवासी के आश्रय में आ गए। 7 दिन 7 रातों के बाद इंद्र की अकल बुद्धि खुली और आके साष्टांग दंडवत करके शरणागत हो गया। अब एक कवि कहते हैं, अब कृष्ण को भी एटीट्यूड आ गई, देखो मैंने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया, मैं गोवर्धन गिरधारी। तो हमारे साथ हमारे सनातन परंपराओं में, भारतीय परंपरा में इतनी सुंदर बात है कि हम अपने देवी देवताओं के साथ एकाकार हो जाते हैं, और विशेष करके जो कृष्ण है उसको जैसे कि हम आमने सामने इनसे बात करते हैं। तो कवि कहते हैं, उठा लिया बड़े बन रहे हो, कुछ माखन को बल बढ़ो। इतना सारा माखन जो तुमको तुमने खाया, तुमको खिलाया गया, उससे तुम्हारा बल बढ़ा, कुछ माखन को बल बढ़ो। कुछ गोपन करी सहाय, ये जो गोप सखा थे उन्होंने भी लकड़ियां टिका दी, लेकिन फाइनल क्या है, राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। राधा जी की कृपा थी जिससे आपने गोवर्धन गिरी उठाया। ये भी कितनी सटीक बात है कि हमारे यहाँ इसी तरीके से, जैसे परसों अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीछे कुछ लिखा है लेकिन प्रारंभ क्या किया, भाषण जय सियाराम। श्री भी लक्ष्मी है, श्री राम जो श्री हम कहते हैं वो लक्ष्मी है जो समुद्र मंथन से निकली, रत्नाकर पुत्री है, विष्णु की नारायणी है। लेकिन लोग समझते हैं कि जय श्री राम यानी अकेले राम, अकेला कभी शक्ति के बिना किसी भगवान की गति नहीं। उन्होंने शुरू किया जय सियाराम और अंत भी किया जय सियाराम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, राधे जो की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। तो
हमारे जीवन में भी बहुत सारे पाठ सीखने के हैं हम लोगों को। आगे चलती हूँ, तो काल्य नाग का प्रसंग सब जानते हैं। ये काल्य नाग जो है वो कौन है? काल्य नाग सिंबल है प्रदूषण। आज हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रदूषण की इतनी बात कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, अब तो ग्लोबल है, कोई देश इससे अछूता नहीं। चाहे रिवर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी वजह से विचारों का पोल्यूशन, दिल में भावों का पोल्यूशन। तो आज की जो यमुना है वो कृष्ण की यमुना है, लेकिन आज की यमुना ऐसी है जैसे काल्य नाग के विष से बन गई। श्रीमद् भागवत क्या कहता है? जहरीली विषैली यमुना कालिंदी बन गई और काली पड़ गई और उसमें से दुर्गंध आने लगी। और वही जो किनारा था जहां कमल दल खिलते थे, जहां कदम्ब के वृक्षों की छाया थी, जहां पशु प्राणी पक्षी पानी पीने आते थे, यात्री जो होते थे विश्राम करते थे, गोपियां पानी भरने आती थी, गोप तथा तैरते थे, ये सारा जो था सब बंद हो गया। नंद बाबा ने कहा कोई नहीं जाएगा और श्री कृष्ण ने समझा, कृष्ण ने समझा कि यही घड़ी आ गई है, तो गेर निकाली, आओ आओ सुकांत सीना कहाँ गए सब, आओ आओ चलो गेंद। और गेंद फेंकते 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 ऐसे फेंकी कि यमुना की मझधार में गेंद गिरी और धीरे 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 यमुना की लहरों पे तैरती तैरती अदृश्य हो गई। अरे अरे मैंने गलती कर दी, मैं जाके लाता हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे कृष्ण, गलती हमारी है, चलो घर। नंद बाबा का एक उनकी आज्ञा, ना ना चढ़े जल्दी कदम पे और कूदे पानी में, कूदे और तैरते तैरते अंदर जाके दरवाजा खटखटाया। काल्य नाग की पत्नी ने खोला और मुग्ध हो गए। बहुत सुंदर पद है हमारे नरसिंह मेहता का, जिन्होंने लिखा है, पद लंबा है और आज समय कम है, मेरे साथ मेरे संगीतकार भी नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहती है कि जल्दी छोड़ के जा, यहाँ से चला जा, तुझे तेरे शत्रु ने भेजा है कि तेरी बुद्धि पे पड़ना पड़ गया है, तू क्यों यहाँ आया, रास्ता भूल गया क्या? तो कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है, मथुरा नगरी में मैं जुगाड़ खेल रहा, बाजी हार गया और बाजी पे मैंने तुम्हारे पति काल्य नाग का सर रखा था, मैं बाजी हार तो सर लेने आया हूँ, जो जीत गया उसको देना पड़ेगा। नाग पत्नी फिर कहती है रंगे रूडो रूप पूरो, रंगे रूडो रूप पूरो, दिसंतो कोडिलो कोडा मनो, सारी माताए के तना जन्मिया ये मातू अड़खा मनो। इतना तो सुंदर बच्चा है, बालक है, किशोर है, यंग मैन, तेरी माँ के कितने बच्चे हैं कि इसको पता ही नहीं तू कहाँ भटक रहा है? कृष्ण कहते ऐसा कुछ नहीं है, मारी माताए बेहु जन्मिया से महु नटवर ना लड़ो, मैं छोटा हूँ, हम दो ही है, जगाड़ तारा नाग ने मारो नाम कृष्ण कहाँ लड़ो। बातचीत में टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अपने हस्बैंड को जगाओ, बोला बोलो कृष्ण कहाँ आया है। अब ये गुस्से हो जाती है, उस दंड बालक जाती है पति के पास, काल्य नाग सोया हुआ है, जगाती है, चरण चापी मुख मरडी नागण नाग जगाड़ियो, उठो ने बड़वंत कोई बारण बालक आयो, जल्दी उठो, एक उदंड बालक दरवाजे पे खड़ा है, जाओ निपटो। फू करके
कौड़ नाग उठा और लपका, और वहां पे क्या दृश्य है, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पटक, नाग के हजार प्रणामों के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उसको उन्होंने नाच लिया है, और उनके चरण के चिन्ह आज भी आपको कोबरा के ऊपर दिखते हैं, नाग फणा पे दिखते हैं, और कैसी आवाज आती है, पम 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 भग पटक, पम 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 फनन ऊपर, ये देख के विम 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 विनती करत नाग वधू थारी, सारी नाग पत्नियां आसपास इकट्ठी हो गई, विनती कर रही है छोड़ दीजिए, तांडव गति मुंडन पर नाचत पलवारी। उस समय दृश्य क्या है, सम 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 सनकादि, सनकादि ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए हैं, सम 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 सनकादि, गम 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 गंधर्वादि, गंधर्व अप्सरा यक्ष किन्नर सारे नृत्य गान कर रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और नम 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 नारद आदि सब ही देश सारी, सब ही देश सारी, सब ही देश सारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, ऐसा कृष्ण जय जयकार हो गया, शरणागत हो गया कालीय, और श्री कृष्ण ने क्या कहा, जो शरणागत है उसको हम मारेंगे नहीं, दूर चले जाओ, किसी भी मनुष्य की बच्ची किसी पशु प्राणी को तुम हैरान नहीं करोगे, दूर चले जाओ, अपने पूरे परिवार के साथ कार्य नाग समुद्र में चला गया, शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। देखिए भूल सबकी होती है जीवन में, भूल को मानना और उसके लिए क्षमा मांगना, उसका पश्चाताप करना, यही सबसे बड़ी बात। लेकिन वहां पर भी एटीट्यूड, मेरे से तो कोई भूल नहीं हुई, ना आई एम फाइन इट यू, तो आपका सभी भला नहीं होगा, ये भी यहाँ पे एक पार्ट हमें सीखना है। अब मैं आती हूँ यहाँ कि यहाँ पे एक अद्भुत बात क्या होती है कि गोपियां सारी घेर लिए हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण का मन किसी और में रम रहा है। हाँ, तो पहले एक जयकारा करते हैं, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आप भी जयकारा घर में बैठ के बोलिएगा, तो सुन रखा है कि जो राधा है बरसाने की राधा अति सुंदर, बरसाने की राधा अति अति सुंदर, और उनका वर्णन कर देती हूँ, क्योंकि श्री राधा कृष्ण के बारे में तो श्रीमद् भागवत में नहीं वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो इशारा है उसके बाद राधा जी ही छा गई है, रुक्मिणी जी कहीं रह गई, राधा जी छा गई, तो ऐसी राधा का ध्यान श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सप्त कांचन वारांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, प्रणमामि हरि प्रिय, प्रणमामि हरि प्रिय। राधा का वर्णन तो अद्भुत है, इनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। ये श्री राधा और मयूर पिच्छ वाला एक छोटा अंगवस्त्र है, जिसके जो मैं राधा जी को अर्पण करती हूँ, और राधा का एक छोटा वर्णन मैंने लिखा। कमर पतली नगर पिजली, सुराही दार गर्दन
सुराही दार गर्दन है संग मरमर सात राशा वाश पाप बदन संग मरमर सात राशा वाश पाप बदन निर्मल कोमल चंचल मन रंगत ऐसी की जैसे सुबह के नूर की शबन आवाज जैसे सात वरों की मीठिया उसके बाद क्या क्या लंबा वर्णन है, आखिर बताना चाहूंगी कि राधा जी की जो जो चाल है क्या है, गज गामिनी गज गामिनी गज गामिनी मस्त हाथी जैसी चाल गज गामिनी मनमोहनी मोरनी 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 इतना जीवन था सीता घन घोर घटा शर्माए ऐसे रेशमी सुंदर बाल राधा जी के रूप का जितना वर्णन करो कम है, शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन थोड़े को बहुत कहा जानिए श्री राधा जी की कृपा रहेगी। बोल श्री राधे कृष्ण की जय। अब ये है कि जब से बरसाने में राधा जी से मिले हैं उसके बाद से ये हालत हो गई है कि बिना राधा नाम लिए यदि कृष्ण का नाम लिया है तो कृष्ण आपके पास कभी नहीं आएंगे, ये बात शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों ने भी कहा है, याद रखिएगा। उसके बाद ये होता है कि श्री कृष्ण को अक्रूर ले जाते हैं मथुरा बलराम जी के साथ, वहां चारूर मुष्टि मल्लों के साथ युद्ध करके मामा कंस का शिरच्छेद करके मथुरा स्थापित करके फिर कंस के सारे राजा आक्रमण करते हैं, तो वहां से चले जाते हैं सौराष्ट्र और वहां समुद्र से श्री वरुण देवता पानी के देवता जो है द्वारका नगरी उनको भेज सकते। द्वारका नगरी का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते, सोने जैसी चमकती सोना चांदी पारस संगमरमर आप जो कह लो नवरत्नों से जड़े हुए प्रसाद ध्वजा पताका ऐश्वर्य समृद्धि जिसका अंत नहीं। और वहां श्री कृष्ण ने यादवों का साम्राज्य स्थापित किया, ऐसे ऐश्वर्य समृद्धि, लेकिन पास के गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण आज अपनी पत्नी की बात सुन रहा है, माधुकरी भिक्षा करके लाता है, कभी एक रोटी कभी दो रोटी कभी आधी कभी कुछ नहीं, एक बालक एक बालिका पुत्र पुत्री है, आज पत्नी से रहा नहीं गया और खड़ी होके कह रही है रटते रहते हो आप सदा है कृष्ण हमारे नीत बड़े करुणामय अंतरयामी कह गाते रहते हो गीत बड़े। आज पूछती हूँ क्या रखा है इन बातों में इनसे अपनी क्या पीड़ मिटी सदा भूखे रहते नंगी भूख पर हर रात कटी। तो क्या करूं सुदामा पूछते हैं
पत्नी सुशीला कहती है, इसीलिए कह रही हूँ, जाओ स्वामी द्वारका, जाओ स्वामी द्वारका करती हूँ अनुरोध, एक बार जरा देख लो, एक बार जरा मिल लो, करो न मुझे पर क्रोध। सुदामा कहता है ठीक है चला जाऊंगा द्वारका, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, इतनी मर्यादा है हमारे परंपरा में कि गरीब से गरीब शूद्र से शूद्र भी यदि किसी के घर जाता है खाली हाथ नहीं जाता। पति ने उपाय बताया, जैसे हर एक पत्नी को माता पति को मालूम है उपाय, हमेशा उनको मालूम होता है। चली गई पड़ोस और पड़ोसियों के घर और एक एक मुट्ठी तांदूल मांग के ले आई, फटी हुई साड़ी का आंचल फाड़ा और पोटली बना के दे दी, ले जाइए। बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम था कि कृष्ण को तांदूल बहुत अति प्रिय है, आपने ही तो बताया था। दूसरे दिन प्रातः भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुदामा जी निवृत्त होके पोटली लटकाए कंधे पे, हाथ में पकड़ी खड़ताल और हरि स्मरण भजन करते करते चल दिए और पहुंच गए मध्यान्ह का, सूर्य तप रहा है, मिड डे सन और आंखें उनकी संध्या हुई, सूर्य की द्वार का सामने चकमक चकमक चकमक। तो क्या कहते हैं, आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका। ऐसा लगा सब स्वप्न है, आंखें फटी सी रह गई, क्या आ गया अलकापुरी, हर चीज थी अद्भुत नहीं, आकाश को छूटे कलश ऊंचे भवन अट्टालिका, जहां देखो वह महल ऊंचे ऊंचे प्रसाद ध्वजा पताका से सुशोभित, फिर इस और भी उस और भी फैले हुए है राजपथ, अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। सुदामा जी एकदम खिसक जाते हैं और सुनते हैं हर एक घर के प्रसाद महल के सोने के पिंजरे में लटके हुए तोता मैना क्या करें, जय कृष्ण जय हरे कृष्णा। अरे वाह, कोई और कृष्ण होगा, मेरा कृष्ण तो कहता था कि आ जाना मेरे गांव आ जाना, कभी पूछ लेना तो कोई भी बता देगा, तो पूछ रहा हूँ पूछ रहे हैं। सबने तिरछी नजर से देखा, यहाँ चले गए वहां चले गए, किन्हीं लोगों ने तो यूं किया, क्या उसका नाम पूछ रहे हो। सुदामा कुछ समझे नहीं, एक सज्जन ने कहा वो दूर दिख रहा है ना, वो 7 मंजिला सोने का महल, वहां चले जाओ वहां पूछ ले। ठीक, सुदामा जी गए वहां पे और सैनिकों से पूछ रहे हैं, सैनिक मजाक उड़ा रहे क्या। एक सैनिक ने तो कहा खबरदार किसका नाम ले रहे हो। सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई कृष्ण का तो पूछ रहा हूँ। उसने मैं मुखिया आया और बड़े शालीनता से कहा, विश्वभर हे ब्राह्मण बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सुदामा जी ने बताया कि मैं वहां से आया हूँ, कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, कहा था मिल लेना द्वारका आके, अब मैं पूछ रहा हूँ। ना ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदामा है, बता देना वो हैता रहता कहाँ है। तो मुखिया खाली हंस दिया और भागा और दौड़ा 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 बगीचों से होता हुआ एक एक हॉल ऑडियंस हॉल सभा हुआ चढ़ा घर धार 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 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं मंजिल पे पहुंच गया। सास पूछ गई है, बुलाया बाहर की जो दासी थी उसको बुलाया, बोला वो बाहर की दासी ने अंदर की दासी को बुलाया, बोला अंदर की दासी ने मुख्य दासी को बुलाया, बोला और मुख्य दासी गई रुक्मिणी, मुख्य पटरानी पंखा जल रही है, छत्र पलंग पर श्री कृष्ण लेटे हैं, सत्यभामा पैर दबा रही हल्के हल्के, लक्ष्मणा वीणा बजा रही है, जाम्बवती मंजीरा बजा रही है और बाकी चारों कोई गुलाब जल छिड़क रही है, कोई और पंखा जल रही है, दास दासी चुपचाप खड़े हैं, सभी की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख चंद्र पे है।
देखते देखते आंखें पलक भी नहीं पड़ती है, श्री कृष्ण साक्षात रुक्मिणी एकांत ने कहा। तो कृष्ण ने आंखें खोली, रुक्मिणी क्या बात है मुझे बताइए, स्वामी कोई संदेश आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कौन लाया है, बुलाओ। बुलाया गया, मुखिया आया, साष्टांग दंडवत करके घुटने पे बैठ के बोलने लगा, अनजाने से आन बसे के ही ड्रामा, होती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान के नहीं जाना, न शीश पे पगड़ी है न अंग पे कोई जिब्बा पहरण कुछ है अंगरखा है, न पैर में कुछ पहना है और कौन से गांव से आया है बताता नहीं है, लेकिन द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकितो वसुधा अभिरामा। द्वार पे एक पतला द्विज खड़ा है और हर चीज को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, पूछत दीन दयालु को धाम, आपका बार बार पूछ रहा है आप कहाँ हो, कृष्ण कहाँ है, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बतावत आपनु सुदामा, सुदामा, अरे सुदामा कहाँ हो। कृष्ण लपके पलंग से उछले कूदे भागे, पैर में कुछ नहीं, गोदी बीच में आ रही है, अरे भाग रहे, सात छह पांच चार तीन दो एक, भागे 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 भागे, वहां है सुदामा। और मुख्य द्वार उसके बाहर देखा, एक जगह एक छोटी सी ऊंची हुई आकृति पर दबे पांव कृष्ण गए और पीछे से आलिंगन किया सुदामा ने, धीरे से सर उठाया और वर्षों के बाद चार आंखें मिली, दो कृष्ण की दो सुदामा की, चार आंखों से अश्रु जा रहे हैं, बरस रही आंखें सतत हिचकी बंधी जगड़े हैं हरि मीत को जाए न पल भर छू, जाए न पल भर बरस रही आंखें सतत। धीरे से सुदामा को उठाया और पकड़ के धीरे धीरे ले गए महल में और अपने सोने के सिंहासन पर बिठा रहे। सुदामा बार बार उठता है, नहीं कृष्ण क्या, नहीं नहीं, कृष्ण ने जबरदस्ती बिठाया और तब तक सोने के थाल में आया है चरण पखारने का। ये काम स्वयं कृष्ण ने किया, उस गंदे मैले धूल वाले सुदामा के पैरों को कृष्ण ने स्वयं धोया और एक एक पैर अपने उत्तरीय से पोछा और उसके बाद चंदन केसर मिश्रित लेप किया और फिर उन्होंने उस चरणामृत का पान किया, वो धूल वाले पैर जो धोए थे उसका स्वयं त्रैलोक्येश्वर स्वयं नारायण वासुदेव। और साष्टांग दंडवत किए। सुदामा देख रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हो, कृष्ण उठो, कृष्ण उठो, सारी रानियां स्तब्ध हैं, दास दास स्तब्ध हैं। और फिर जब उन्होंने चरणामृत दिया रुक्मिणी को तो रुक्मिणी समझ गई और वो चरणामृत धूल मिश्रित नहीं था, वो चरणामृत अमृत के समान निर्मल भी था। सभी ने वो चरणामृत लिया और अब सुदामा को स्वयं कृष्ण ले गए हैं तेल
तैलाब भंग किया, सुगंधित तेल का अच्छे से मसाज किया, गरम गरम पानी से नहलाया, जीने जीने मलमल का वस्त्र पहनाया, धोती उठाई और फिर सोने की पीढ़ी पे, सोने के थाल में, सोने के पाट में बैठ के 56 भोग सामने रुक्मिणी ले आई। सुदामा की तो आंखें पड़ गई, कभी आधी रोटी खाने वाला जिसके पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं, ऐसा दुबला पतला कृष्णकाय सुदामा। कृष्ण ने हंसते हंसते अपने हाथों से सुदामा को खिलाया। ये लीला क्या है, ये लीला क्या है कि ब्रह्म ने ब्रह्म के पेट में आहुति दी। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, तो सुदामा के पेट में ये अन्न नहीं गया, ये अन्न गया है उस नारायण वासुदेव ब्रह्म रूपी कृष्ण के पेट में आहुति पड़ी। सुदामा तो सारा चट कर गया और उसके बाद आपसे यूं हो रही है, सुदामा तुम विश्राम करो, थक गए हो। अपने छत्र पलंग में सुदामा को सुलाया और खुद नारायण कृष्ण पंखा झल रहे हैं। सूर्यास्त के पहले उठाया, उठो जलपान करते हैं। उसके बाद सांदीपनी गुरु मुनि के आश्रम में हम दोनों थे, उन वर्षों की बात, उन दिनों की बात, मेरे साथ कौन यहाँ करेगा। सुदामा उठो, अपन मुझे बड़ी चटपटी हो रही है, चलो चलो। अब जलपान के बाद सुदामा और कृष्ण एक दूसरे के सामने बैठे हैं और सारी रानियां बैठी हैं, दास दासी सब खड़े हैं और बिल्कुल दो मित्र जैसे थे। तो कृष्ण कहने लगे, सुदामा याद है? सुदामा कहता, बिल्कुल याद है, गुरु पत्नी हमसे बहुत स्नेह करती थी, गुरु का तो था ही। हाँ कहते कृष्ण, हम दोनों को ही तो भेजती थी वन में सूखी लकड़ियां काट के लाओ यज्ञ में समिधा के लिए, और फिर सुदामा याद है तो हमें चने देती थी दो हिस्से, एक तेरा एक मेरा, कि भूख लगे आने में देर हो जाए चने खा लेना, पानी पी लेना। हाँ सुदामा कहता है, मुझे याद है। कृष्ण कहते हैं, दो दिन याद है, एक दिन हम बन गए सुदामा शुष्क लकड़ियां लाने को, गुरु माता ने चने दिए थे हम दोनों के खाने को, मुझे न देकर तुमने खाए, मुझे न देकर तुमने खाए, याद सभी ना है तुमको। सुदामा झेप रहा है, बगल में पोटली दबी हुई है तांदूल की, अब यह आदत को छोड़ के दे दो, भाभी के तंदूल हमको खींची पोटली और फट 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 गांठे खोल दी और जल्दी मुट्ठी भर के एक और फिर दो और फिर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी कृष्ण के मुंह में नहीं जाने दी। रुक्मिणी जो है वो ज्ञान रूपा है, रुक्मिणी को पता था कि दो मुट्ठी तांदूल कृष्ण के मुंह में गए हैं, उन्होंने सुदामा को क्या क्या दे दिया है, अब तीसरी मुट्ठी भी यदि उनके मुंह में जाएगी तो हम आठों रानियों को भी दे देंगे। कृष्ण हंसे, अच्छा हमें प्रसाद दीजिए स्वामी, इतने स्वार्थी मत बनिए, तो बांटो चलो। सुदामा देख रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। उसके बाद आनंद प्रमोद में कुछ दिन बीते हैं और समुद्र विहार, नौका विहार, पूर्णिमा की रात को हो रहा है, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, वीणा बज रही है, स्वयं नटवर नृत्य कर रहे हैं सुदामा के लिए। और सुदामा कहता है, मुझे स्वप्न में मेरी पत्नी मेरे बालक बालिका आए थे, आज मैं जाऊंगा वापस। अच्छा इतनी जल्दी, ठीक है, लेकिन जल्दी 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 भाभी को मेरे भांजे भांजी को लेकर आ जाना। फिर बुलाते हैं रुक्मिणी सत्यभामा, सब आइए, सुदामा जी को विदाई देनी है। सुदामा जी चले, पीछे सारा नगर उमड़ा, मुख्य द्वार पे नमस्कार करते हैं, कृष्ण साष्टांग दंडवत करते हैं, रानियां घुटने पे पड़ के नमस्कार कर रही है, नगर जन नमस्कार कर रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, शतपुत्रवती भव, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, लक्ष्मीमान भव, देते देते निकले हैं। फिर जल्दी आना कृष्ण, आऊंगा। द्वारका दिखती बंद हो गई तो बुद्धि पे पर्दा पड़ गया सुदामा के, सोचने लगा, गया था तब तो तांदूल की पोटली भी थी, वापस जा रहा हूँ खाली हाथ, क्या कहूंगा सुशीला को,
क्यों मैं आऊंगा? ये पाखंडी कृष्ण बचपन से झूठा चोर बचपन से रहा, जो ग्वाल हो जो कुटिल बहु रूपिया हो चाल हो, जो बहुत अभिनय कुशल भ्रमजाल हो, प्यार उसका सिर्फ एक उछाल हो, कैसा तो मुझे पकड़ लिया जकड़ लिया, फपक फपक कर रोया टसुए बहाए आंसू बहाए, कोई अर्थ नहीं था, नो मीनिंग, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दुखी होते 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 बड़बड़ाते फड़फड़ाते सुदामा जी गांव पहुंचे और झोपड़ी कहीं मिली नहीं, कहां गई मेरी झोपड़ी? वहां तो वो सात मंजिला सोने का महल, वही पहरेदार सैनिक दास दासी घूम रहे। अरे मैं फिर चला गया द्वारका, ये क्या हो गया, मुझे भ्रम कैसे हो रहा? और सुदामा जी जैसे मुड़े तो हाथ पकड़ लिया ब्राह्मणियों की पत्नी सुशीला, बिल्कुल हर रोज दिन रात देख रही है रास्ता, उससे देख लिया दूर जा रहे हैं। सातवीं मंजिल से उतरी नीचे, बालक बालिका को आगे किया, दासियों से आरती मंगवाई और देखा हाथ पकड़ लिया। अरे 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 छोड़ू क्यों छोड़ू, परस्त्री का स्पर्श। परस्त्री? अरे मैं परस्त्री कब से हो गई, सुशीला पूछ रही है, जरा देखो। तो सुदामा जी ने मुड़ के देखा, वही आंखें वही कान वही नाक वही सुशीला और वही मेरे दोनों, लेकिन ये क्या राज रानी जैसा श्रृंगार, दास दासी, ये क्या है तुम? तो मैं बड़े वर्षों से जो कहती हूं, स्त्री जन्म से ही ज्ञानी है, पुरुष को साधना करनी पड़ती है, जो बात पुरुष नहीं समझ पाता वो स्त्री समझा देती है, यही वही हुआ। रत्नावली ने तुलसीदास बनाया, तुकाराम की पत्नी को साक्षात विठोबा रुक्माई के दर्शन हुए, मां तुकाराम विठोबा विठोबा करते पंढरपुर में, यहाँ सुदामा की पत्नी सुशीला ने क्या कहा, महिमा यदुनाथ की सुनो प्राण प्रिय नाथ, अमर मित्रता रूप है स्वयं द्वारका, स्वयं द्वारका नाथ। मित्रता की भाषा समझा दी, मित्रता का अपरूप बता दिया सुशीला ने, कौन है यदुनाथ? सुदामा, जो भक्त है सुदामा, भक्त सुदामा की बात सब करते हैं, लेकिन सुदामा को जब ज्ञान मिला तो किससे मिला? पत्नी सुशीला से मिला। इसीलिए मैं चाहूंगी आप सब जुड़े मेरे साथ एक जय जयकार करें, बोल श्री द्वारकाधीश की जय, बोल श्री सुशीला सुदामा की जय, बोल श्री राधे कृष्ण की जय। तो 5 मिनट है, तो मैं जैसे हमेशा करती हूँ कि मीरा के भजन से, जो मीरा स्वयं द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, द्वारका गई, इनके अंतिम वर्षों में मंदिर में ही रहती थी, और एक दिन मात्र फूलों का हार मिला, मीरा कहीं नहीं थी, वो उनका विलय हो गया था द्वारकाधीश की स्वयं की मूर्ति में, लेकिन आनंद का है ये, आ आ
मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगाथु निसौ से दर्शन पाथु, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गाथु, चाकर रहसु मोरन पुट पी सांबर सोहे, गल पैजी माला वृंदावन में भेरु चरावे, वृंदावन में भेरु, मुझे मेरा कंठ रुन रहा है, मुझे सामने दिख रहा है कुछ, वाह। वृंदावन में भेरु चरावे मोहन मुरली वाला, अब को भी जरूरी भगवती, वाह 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 प्रभु की तेरी साक्षात हो गए। मीरा 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 के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रघो जी धीरा, मीरा दासी यहाँ नहीं है, यहाँ मीरा वो है जो सवा गई, आधी रात प्रभु दर्शन दीन है, जमुना जी के सीधा अमर हो गई तू मीरा, अमर हो गई तो आप सबको वही यशोदा का प्रेम, राधा का माधुर्य, रुक्मिणी का पत्नी भाव और सुशीला का भक्ति भाव और मीना का अनन्य प्रेम आज मुबारक है। आप सब गोपी भाव से भक्ति कीजिए, कृष्ण के लिए सखी भाव गोपी भाव ही मान्य है और तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा गोविंद, श्री राधा दास, श्री राधा कांत, श्री राधा माधव, श्री राधा मुकुंद, राधे श्याम, हम सब की रक्षा करें, हम सब पे आशीर्वाद बरसाएं, हमारा जीवन माधुर्य से भर जाए, हमारे जीवन में कल्याण हो, सभी का शुभ मंगल हो, योग क्षेम हो। कृष्ण ने वचन दिया है गीता में, योग क्षेम वहाम्य हम, मैं योग और क्षेम मेरे भक्तों का मैं खुद इसका वहन करता हूँ, तो डर काहे का, डर काहे का, बस रजे बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, भक्ति में लीन हो जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और आनंद दीजिए, यही आज का राधे कृष्ण का संदेश है। इसी के साथ फिर एक बार मेरे साथ आप जयकार करेंगे, बोल श्री राधे कृष्ण की जय, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री द्वारकाधीश की जय, सोनल जी बहुत अति सुंदर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत वंडरफुल परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली वंडरफुल मैम, वंडरफुल ब्रिलियंट। सोनल जी, सुरेश जी का भी बहुत बहुत प्रणाम आपको। Mesmerizing is the word. हाँ, absolutely. Also tears come from my eyes also. Saurav ji, can I request you to please formally propose on behalf of the Family Welfare Foundation and the Chamber? Please thank
Sonal ji profusely for this absolutely stunning performance. Certainly, certainly. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of PhD Chamber and on my own, it is a great pleasure to be a part of this excellent program. Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, our President Dr. D.K. Agarwal ji, our Senior Vice President Sri Sanjay Agarwal ji, our Vice President Sri Pradeep Multani ji, Ms. Anuradha Goyal ji, our Chairperson for the PhD Welfare Foundation, Mrs. Neetu Jivarajika ji, President Space, all the former presidents of the PhD Chamber, members of the Managing Committee, the governing body members of the PhD Welfare Foundation, Women and Child Committee, and distinguished participants, guests, and all panelists present here. On behalf, I wish to thank profusely the Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है आज और इतने भाव से वो इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस आई एम सॉरी इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस इट्स एन ऑफरिंग इट इज एन नाट्य कथा विच यू हैव गिवन इट्स एन ऑफरिंग इट्स एन ऑफरिंग मैम ये हमारी तरफ से प्रभु के चरणों में दे रहे हैं कोई परफॉर्मेंस नहीं है थैंक यू सोनल जी फॉर करेक्टिंग मी it was a natya katha I would say and it was really mesmerizing and really we all got very sentimental seeing you and we went back to the stories of Lord Krishna and her days in his days with the gopis as you rightly brought out I would like to thank everyone present here in the webinar for seeing and witnessing the offerings by Sonal Mansingh ji on Krishna I would also